बार गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कि कॉटन की चनिया चोरी पहने सब तो बेटर रहेगा, क्योंकि और कोई फैब्रिक का हम नहीं पहन सकते, गरबे करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार कॉटन का ले चनिया और ऊपर का ब्लाउज तो बेटर है। अपने फिट रखने के लिए किस तरह से लुक अलग चेंज रखने के लिए आप तैयारी रखी है ड्रेस मटेरियल में? जैसे कि इस बार के जो ब्लाउजेस है वो स्लीवलेस और बैकलेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे जो कलेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, तो गर्मी के हिसाब से वो बैकलेस और स्लीवलेस ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इस बार। आप अपनी तरफ से किस तरह से तैयारी की और क्या सिलेक्शन करने के लिए आए हैं? यहाँ पे मैं ऑर्नामेंट्स के लिए आई हूँ और चनिया चोली भी देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है। तो मैं सब अभी सब देख ही रही हूँ कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बट देख रही हूँ कि मुझे ज़्यादा मोटा मटेरियल नहीं चाहिए, तो मुझे कॉटन का कुछ मिल जाए अच्छा तो बेटर है। मैंने इस बार वेदर को देख के ही अभी थोड़ा कॉटन पर जाने का इच्छा है मेरी, क्योंकि इस बार वेदर थोड़ा अलग लग रहा है इसीलिए। और अभी कुर्ता प्रिंटेड कुर्ता कोई अच्छी वर्क वाले कोटीज या सब ऐसे पहले प्रीफर कर रहे हैं इसीलिए हम। किस तरह से अपने पूरी नवरात्रि का प्लान किया है कि क्या आगे प्लान है 9 दिन किस तरह से? हमारे 9 दिन का प्लान है, हम मेहसाणा जिले से आए, हमारा 2 दिन का प्लान है अहमदाबाद, 2 दिन गांधीनगर, 2 दिन मेहसाणा, ऐसे हमारे अलग अलग जाके हमारे ग्रुप है, हमारा रंगत ग्रुप है, वहाँ पे हम जाके सब साथ में गरबा खेलेंगे ऐसा सब करेंगे। किस तरह से आपको वेदर थोड़ा सा गर्मी है बारिश का भी कम्फर्ट हाँ नहीं है, तो किस तरह से इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन एंजॉय कर पाए, तो क्या किस तरह से पूरा ड्रेस से मटेरियल से पूरी तैयारी से लेके? पहले ऐसा था कि कोई हैवी ड्रेस हैवी डिज़ाइन हैवी हैंडीक्राफ्ट वर्क प्लानिंग कर रहे थे, मगर इस बार थोड़ा सा लाइट अपना होता है। हाँ, गर्मी के लेके हमको थोड़ा लाइट कपड़ा प्रीफर करें इसीलिए, बाद में बारिश की भी मौसम आती तो इसीलिए हमारे वो कपड़े लिए हो गए तो भी वो प्रिंटेड हो गए केडिया सब हो गए, वो बाद में पहनने का काम भी नहीं आया इसीलिए हम को प्रिंटेड कुर्ता या और कच्ची वर्ग वाले कोटीज या सब ऐसे प्रीफर कर रहे हैं। इस बार वेदर का कुछ नक्की नहीं है इसलिए इस बार हमने चूज नक्की किया है फैब्रिक पर जाने का। यहाँ पे गुड फैब्रिक अवेलेबल है एंड वो वेट में हल्का रहता है इसलिए गरबे करने के लिए आसान रहता है हमारे लिए। सो मोस्टली इस बार हम फैब्रिक और हल्का फुल्का सा सम ट्रेडिशनल वियर सिलेक्ट करते हैं। इस बार हमने करा है फैब्रिक में कॉटन और सेफ्टी जैसे आप बोल रहे हो तो ऐसे फुल स्लीव्स रखते हैं तो वो भी एलिगेंट लगता है अच्छा लगता है, मतलब कवर्ड होता है सब पर बहुत एलिगेंट लगता है, तो इस हिसाब से हमें ऐसा रखना चाहिए। और ऑर्नामेंट्स में ऑक्सोडाइज फॉरएवर है नवरात्रि के लिए हर जगह, और इधर लॉ गार्डन में भी सब बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, तो हम वहीं मेहसाणा से आए इधर तो।